मैथमेटिक्स में बेटा, जैसा कि आप सभी बच्चों को याद ही है कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो मिसलेनियस एग्जाम्पल हैं एक्सरसाइज 3 के मैट्रिक्स में जो मिसलेनियस एग्जाम्पल थे 26, 27 और 28, इनको लगाए हुए थे। और उसके बाद आप देख रहे हैं आपकी बुक में मिसलेनियस एक्सरसाइज आ जाती है। तो आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 सॉल्व करने चल रहे हैं मैट्रिक्स की, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते हैं। आप भी ध्यान से सुनिए, उसमें जो कुछ दी गई चीजें हैं वो मैंने नोट कर लिए हैं ऑलरेडी। देखिए मैं पढ़ रहा हूं, लिखा है मान लीजिए ए इज इक्वल टू 0100 0100, ए एक मैट्रिक्स है, हो तो दिखाइए कि सभी स्मॉल एन बिलोंग्स टू एन के लिए, फॉर ऑल स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। यानी कि इस क्वेश्चन में जहां जहां भी आपको ये स्मॉल एन देखने को मिल रहा है, ये स्मॉल एन प्राकृतिक संख्याओं को बिलोंग करता है। मतलब ये स्मॉल एन जहां जहां भी है, कोई ना कोई उसकी जगह प्राकृतिक संख्या ही लिखी गई है और कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो सभी स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन के लिए ए आई प्लस बी ए होल पावर एन, ए आई प्लस बी ए होल पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन आई प्लस एन ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी ए। इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। और उन्होंने बताया कि जहां आई, ये बीच में आप दो जगह पर आई देखने को मिल रहा है ना, ये कोटि दो का तत्समाकाव्यू है। कोटि दो का तत्समाकाव्यू होने का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं इसकी वैल्यू लिखे देता हूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तत्समाकाव्यू या इकाई आव्यू जिसे आप बोलते हैं वो है ये, ठीक है। फिर से मैं क्वेश्चन बता देता हूं कि करना क्या है। एक मैट्रिक्स ए आपको ये दी गई है और एक तत्समाकाव्यू आई की वैल्यू ये आपको दी गई है। अब उन्होंने बोला कि फॉर ऑल स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, जितने स्मॉल एन जो कि प्राकृतिक संख्याओं को बिलोंग करता है, उन सब के लिए ये सिद्ध करिए कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल आती है, ये आपको प्रूफ करके देना है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं इसको भी, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे। देखो आपको याद होगा बेटा, हमने जब इससे पहले जो एग्जाम्पल्स हैं उनको लगाया था, एग्जाम्पल नंबर 26, तो आपको याद होगा हमने वहां पर भी प्रूफ करने के लिए एक मैथमेटिकल जो हमने प्रोसीजर यूज किया था, वो ये प्रोसीजर यूज किया था, गणितीय आगमन का सिद्धांत प्रयोग करके हमने सिद्ध करा था। इस क्वेश्चन को ना, इस क्वेश्चन को भी हम गणितीय आगमन का सिद्धांत लगाकर इसको हम आपको करके दिखाएंगे, क्योंकि और कोई तरीका हमारे पास नहीं समझ आ रहा है। आप देखो यहां पर पावर एन लिखी हुई है, अब इसकी वैल्यू अगर हम निकालने जाएंगे भी, पावर एन आई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करके ए का आई से फिर बी का ए से, ये नॉन मैट्रिक्स एलिमेंट है। स्मॉल ए एंड बी दीज आर द कॉन्स्टेंट टर्म्स, और अगर हम ए को आई से मल्टीप्लाई करें, बी को ए से मल्टीप्लाई करें, फिर उनको ऐड करें, उसके बाद उनका पावर एन निकालें, तो एक किसी मैट्रिक्स का पावर एन निकालना इट इज टू डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। इस वजह से हम ऐसे सवालों को हमेशा ही गणितीय आगमन का सिद्धांत लगा करके ही सॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके। अब गणितीय आगमन का सिद्धांत लगाने में क्या करना होता है सोचिए, पिछली क्लास में 26 नंबर में हमने बताया भी आपको, आज फिर एक बार बता देते हैं और फिर इसके बाद कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। उसमें करना क्या होता था, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे n इज इक्वल टू 1 के लिए अपने स्टेटमेंट को सत्य सिद्ध करके दिखाओगे, ठीक, ओके। स्टेप 2 के लिए n इज इक्वल टू k पर कथन को सत्य माना जाएगा। फिर स्टेप 3 के लिए n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए कथन को फिर से सत्य सिद्ध करके दिखा दोगे। अगर ये तीन स्टेप्स का काम आपने कर दिया तो मान लिया जाएगा कि ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है। अब उसी के बेसिस पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से।
प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसे आप शॉर्ट में PMI भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक, इससे हम इसको प्रूव करके आपको दिखाएंगे। उसके लिए सबसे पहले स्टेप वन पे भैया क्या करना है, n=1 के लिए हमें अपने इस कथन को प्रूव करके दिखाना है। n=1 लेने पर देखिए, लिख दीजिए जहां जहां भी n है वहां वहां 1 आप लिख दीजिए। तो हमने लिखा ai + ba^1, n की जगह 1 लिख दिया, यहां पर a^1i + 1 a^-1 - 1 b a। जहां जहां भी n देख रहे हैं आप, सब जगह हमने 1 लिख दिया। अब इसकी पावर 1 है तो आप इसको ai + ba लिख सकते हो। ठीक, ओके। इधर a^(1)i, तो हम ai लिख देंगे, प्लस 1 की जगह 1, a^(1 - 1 यानी कि a^0। बेटा 1 * a^0, a^0 का मान भी तो बेटा 1 आएगा। किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये भी 1, इसमें a की घात 0, इसका भी मान 1 हो गया। 1 * 1 = 1, 1 * ba कर देंगे तो ये ba आ गया। अब आप बेटा ध्यान से देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है ai + ba, वही राइट हैंड साइड में आ रहा है ai + ba। सो इन दिस सिचुएशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए दिया गया कथन n = 1 के लिए सत्य है। और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ना आती तो फिर दिया गया कथन n = 1 के लिए सत्य नहीं हो पाता। ठीक है, अच्छा, स्टेप वन हमने पार कर ली। स्टेप टू पे बात करिए जरा। स्टेप टू में क्या करना रहेगा आपको, स्टेप टू में n = k पर कथन को सत्य मानना पड़ेगा। तो यहां लिख देंगे, माना n = k पर, दिया गया कथन सत्य है। देखिए बेटा, ये हमने मान लिया कि n = k पर दिया गया कथन सत्य है। तो अगर n = k पर दिया गया कथन सत्य है तो n की जगह k लिखो, तो लेफ्ट और राइट बराबर हो जाने चाहिए क्योंकि आपने माना है सत्य है। तो लिख दीजिए, इसलिए ai + ba^k इज इक्वल टू, जहां n है वहां k लिख देंगे, a^(ki + ka^(k−1)·ba, ka^(k−1)·ba। ये चीज हमने नोट कर ली, मान लिया कि दिया गया कथन n = k के लिए सत्य है। सत्य है तो ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। स्टेप थ्री, n = k + 1 लेने पर, अब हमको स्टेप थ्री में करना ये है कि n = k + 1 पर दिया गया कथन सत्य सिद्ध करके दिखाना है आपको। ठीक, तो n = k + 1 लिख दीजिए, इसमें ai + ba^(k+1) इज इक्वल टू ai + ba^(k+1), n की जगह k+1 लिखना है, इज इक्वल टू a^(k+1)·i + k+1)·a^(k+1−1। बेटा n की जगह k+1 लिखा और ये −1 लिख दिया,
इंटू बी इंटू ए। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ए आई प्लस बी ए टू द पावर के प्लस वन इज इक्वल टू ए टू द पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस के प्लस वन इंटू ए टू द पावर। देखो बेटा प्लस वन माइनस वन कैंसिल, ए टू द पावर के इंटू बी ए। हमको करना क्या है, स्टेप थ्री में हमको ये करना है, n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए कथन को सत्य सिद्ध करके दिखाना है। तो अगर n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए कथन को सत्य सिद्ध करना है तो फिर इसकी वैल्यू इसके इक्वल आनी चाहिए, इसकी जो वैल्यू है वो इसके इक्वल आनी चाहिए, यही तो करके दिखाना पड़ेगा आपको। तो हम एक काम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसको सॉल्व करने से ये हमने ला दिया, ये अगर ला दिया हमने, तो हम समझ जाएंगे कि ये इसके इक्वल है, और अगर ये इसके इक्वल है तो n बराबर k प्लस 1 पर दिया गया कथन सत्य सिद्ध हो जाएगा। तो बस यही हमको करना है। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये आ जाए ए आई प्लस बी ए टू द पावर के प्लस 1। इसको सॉल्व करके वो लाना है, अगर आ गया तो दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य हो जाएगा, अगर नहीं आ पाया तो दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य नहीं होगा। अब इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। देखो बेटा कैसे करेंगे, मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूं ए आई प्लस बी ए टू द पावर k इंटू ए आई प्लस बी ए टू द पावर 1। बेटा आप सभी ने पढ़ा है गुणा में घाते जुड़ती हैं, आप ध्यान से देखें इसकी पावर k प्लस 1 है, तो हमने ए आई प्लस बी ए टू दी पावर k कर दिया और फिर ए आई प्लस बी ए टू दी पावर 1 कर दिया, ए आई प्लस बी ए टू दी पावर 1 कर दिया हमने। अब देखो दोनों सेम टर्म गुणा में है, गुणा में घाते जुड़ करके आप जब चाहो फिर से k प्लस 1 बना सकते हो, लेकिन हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना इसको ऐसा बनाने का पीछे हमारा क्या मकसद है, इसके पीछे हमारा ये मकसद है कि मैं ए आई प्लस बी ए टू दी पावर के है, ए आई प्लस बी ए टू दी पावर के उसकी जगह ये नोट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको नोट कर देता हूँ ए आई प्लस बी ए टू दी पावर के, ए आई प्लस बी ए टू दी पावर के, इसकी जगह पूरा ये लिख देंगे हम ए टू दी पावर के आई प्लस के ए टू दी पावर के माइनस 1 इंटू बी ए, ए टू दी पावर के आई प्लस के ए टू दी पावर के माइनस 1 इंटू बी ए, ये इसकी जगह आ गया। और इसको ऐसे लिख देंगे पावर 1, आप लिखो या ना लिखो उससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम नहीं लिखते। अब इसे हमको मल्टीप्लाई करना है, करिए मल्टीप्लाई भाई, ए आई को इससे गुणा करिए तो ये आ जाएगा, ए आई को ए टू दी पावर के आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर के प्लस 1 इंटू आई स्क्वेयर। ए आई को इससे किया तो ए टू दी पावर के और ए है तो ए टू दी पावर के प्लस 1 इंटू आई स्क्वेयर, फिर ए आई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे जब करेंगे तो ए का ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा के ए टू दी पावर के माइनस 1 प्लस 1, क्यों ए टू दी पावर के माइनस 1 ये है और ए ये है, इन दोनों का गुणा होगा तो इसकी घात और इसकी घात जुड़ेगी, इसकी घात के माइनस 1 इसकी घात 1, तो हमने ये के लिख दिया, इन दोनों की पावर जोड़ दी, इसके बाद हम ये बी लिखेंगे और ए को आई से मल्टीप्लाई करा देंगे। देखो एक चीज यहां बहुत ध्यान रखिए, इस पूरे टर्म में के ए बी ये नॉन मैट्रिक्स एलिमेंट है, ये कोई अवयव अवयव के अवयव नहीं है और ये भी अवयव नहीं है, लेकिन ए इस टर्म में ए और इस टर्म में आई अवयव है, तो जब दोनों का गुणा होगा तो अवयव का गुणा अवयव से होगा फिर, इसलिए सारे नंबर को आपस में गुणा करवाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अवयव का मल्टीप्लीकेशन अवयव से आप करवा लीजिए, ठीक, ये आपको ध्यान रखना। तो ए आई का हमने मल्टीप्लाई करवा लिया, अब बी ए का मल्टीप्लाई करवाना है, तो ध्यान से देखना बेटा, पहले बी ए को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को गुणा करना है, तो पहले ये देखो कि नॉन मैट्रिक्स एलिमेंट कौन है, इसमें ए टू दी पावर के और इसमें बी,
तो ए टू दी पावर के इंटू बी, मैट्रिक्स इसमें आई है और इसमें ए है, तो आप आई इंटू ए कर लो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो प्लस लगा दिया। पहले तो जो नॉन मैट्रिक्स एलिमेंट है उनको लिख लो, के ए टू दी पावर के माइनस वन, के लिख दिया ए टू दी पावर के माइनस वन। अब ये बी ए और ये बी ए बचा, तो बी को बी से कर दो, बी स्क्वेयर, और ए को ए से हो जाएगा बेटा, तो ए स्क्वेयर मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना स्टार्ट करो। सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हम तो हमको क्या मिलेगा, आप देखो ध्यान से, आई ये है। आप अगर आई स्क्वेयर करोगे, मैं आपको बताऊं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप पावर टू निकालो, पावर थ्री निकालो, फोर निकालो, कुछ भी निकालो, आई की वैल्यू, आई टू दी पावर कोई भी यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर लिखोगे तो उसकी वैल्यू आई के इक्वल ही आती है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, आई के इक्वल। फिर से आई की पावर में कोई भी वन टू थ्री फोर फाइव ऐसा कुछ भी सॉल्व करके निकालोगे आई ही आता है, तो आई स्क्वायर की जगह पर हम आई ही लिख सकते हैं, ए टू दी पावर के प्लस वन इंटू आई। ठीक, अब इसको ध्यान से देखिए के यहां पर माइनस वन से प्लस वन कैंसल हो गया, ये आया के। ठीक, ए टू दी पावर के, ए टू दी पावर के बी, और किसी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स तो आती है बेटा। बहुत बार ये बताया किसी भी आव्यूह को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो अगर हम ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आ जाएगा। और आगे चले तो ए टू दी पावर के बी, फिर से देखो आई को ए से मल्टीप्लाई करोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से, तो ए फिर आ जाएगा। ठीक, प्लस इसको देखिए के ए टू दी पावर के माइनस वन, के ए टू दी पावर के माइनस वन बी स्क्वेयर, और यहां पर ए स्क्वेयर है, ए की वैल्यू ये है, हमको इसका स्क्वेयर करना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं यहां पर इसका स्क्वेयर करके आपको दिखा देता हूं। ए स्क्वेयर निकालेंगे, ए इंटू ए करेंगे, ए इंटू ए मतलब जीरो वन जीरो जीरो, फिर ए है तो जीरो वन जीरो जीरो ऐसा कर दिया हमने, मल्टीप्लाई करवाइए। इसको ऐसे करोगे ए वन वन, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बेटा ध्यान से देखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, जीरो को जीरो से जीरो, एक को जीरो से जीरो, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जीरो को एक से करेंगे जीरो, एक को जीरो से करेंगे वो भी जीरो। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पूरा जीरो, सेकंड रो सेकंड कॉलम, जीरो को वन से किया जीरो, जीरो को जीरो से किया जीरो, कुल मिला के इस पूरा जीरो मैट्रिक्स मिलेगा ए स्क्वेयर। तो उसकी जगह पर हम यहां पर जीरो मैट्रिक्स नोट कर देते हैं, जीरो मैट्रिक्स को ऐसा बड़े साइज के जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से। ओके, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, अब जीरो मैट्रिक्स में इसका मल्टीप्लाई करोगे वो भी पूरा जीरो हो जाएगा, तो इस टर्म को हम छोड़ देंगे बिकॉज इट विल टोटली बिकम जीरो। जो बचा उसको देखिए, ए टू दी पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस, इन दोनों में देखो क्या कुछ कॉमन कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं ए टू दी पावर के बी ए, ए टू दी पावर के बी ए, ए टू दी पावर के बी ए कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या, इसमें बचेगा के, इसमें बचेगा प्लस वन, ए टू दी पावर के बी ए। और अब आप बेटा ध्यान से देखो, आपने लेफ्ट हैंड साइड से ये लिया था ना, ए आई प्लस बी ए टू दी पावर के प्लस वन, उसको आप लगातार सॉल्व कर रहे थे, सॉल्व करते करते क्या मिला, ए टू दी पावर के प्लस वन आई प्लस के प्लस वन ए टू दी पावर के बी ए, पूरा वही चीज मिल गया। और ये क्या है, ये हमारा स्टेप नंबर थ्री का राइट हैंड साइड है, इसका मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से बराबर करके दिखा दिया, अतः स्पष्ट है कि दिया गया कथन एन बराबर के प्लस वन के लिए भी सत्य है। यहां पर लिख देंगे अतः स्पष्ट है कि दिया गया कथन
एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी सत्य है। ठीक, तो अभी तो आपने ये करके दिखाया कि एक के लिए सत्य है और एन प्लस एन बराबर के प्लस वन के लिए भी सत्य है। अब मैथमेटिकल इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि अगर आपने इतना करके दिखा दिया तो फिर दिया गया कथन सारे एन जो कि कैपिटल को बिलोंग करते हैं उन सब के लिए सत्य होगा। लिख देते हैं, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन के लिए दिया गया कथन सत्य है। ठीक, प्रूव हो गया। इस तरह से आपको यह क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में है बेटा, यदि ए इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो सिद्ध करिए ए टू दी पावर एन इज इक्वल टू 3 टू दी पावर एन माइनस 1 3 टू दी पावर एन माइनस 1। सारी की सारी एंट्रीज 3 टू दी पावर एन माइनस 1 है। फॉर ऑल स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, मतलब इस क्वेश्चन में जो आप स्मॉल एन देख रहे हैं ये प्राकृतिक संख्या है। तो अगर ए की वैल्यू ये है तो इसको आपको प्रूव करके दिखाना है कि अगर ए की वैल्यू ये है तो ए टू दी पावर एन की वैल्यू ये होगी, ऐसा आपको सिद्ध करके दिखाना है। इसके लिए भी हम गणितीय आगमन का सिद्धांत ही प्रयोग करेंगे। देखिए, तो यहां पर मैं लिखूंगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा, आप समझ सकते हैं। अब स्टेप वन में क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू वन के लिए, एन इज इक्वल टू वन लीजिए, यहां पर रखिए, देखिए एन की जगह एक लिखेंगे और ये चेक करो कि ए की घात एक का मान क्या यही आता है। अगर ये आ जाएगा तो सही है, ए टू दी पावर वन इज इक्वल टू, जहां जाने वहां वन लिखना है आपको, यहां वन लिखना है 3 टू दी पावर 1 माइनस 1 1 माइनस 1 मतलब 0, तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 0, दिस इज 3 टू दी पावर 0, दिस इज 3 टू दी पावर 0, सब जगह 3 टू दी पावर 0 3 टू दी पावर 0 3 टू दी पावर 0 3 टू दी पावर 0, ऐसे आ जाएगा। किसी भी संख्या की घात 0 का मान क्या होता है, 1। ए की घात 1 को हम a लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ऐसे। अब आप ध्यान से देखिए, हमने इसमें n की जगह पर 1 लिखा और ऐसा करने से a की वैल्यू यही निकल करके आ गई। इसका मतलब है ये जो दिया गई चीज है वो n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक है, अतः अतः दिया गया कथन n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। अब स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में, और अगर n बराबर 1 के लिए सही ना होता तो जब हमने n की जगह 1 लिखा तो जो a निकला है वो ये ना निकलता, तो हम लिख देते कि सही नहीं है। स्टेप 2 में हम n बराबर k पर दिया गया कथन सत्य मान लेते हैं, तो यहां पर लिखेंगे माना n बराबर k पर, माना n बराबर k पर दिया गया कथन सत्य है। ठीक, अगर n बराबर k पर दिया गया कथन सत्य है तो n की जगह k लिखने से इसकी वैल्यू इसके इक्वल आनी चाहिए फिर, तो हम लिख देते हैं a टू दी पावर k इज इक्वल टू 3 टू दी पावर
के माइनस वन, थ्री टू दी पावर के माइनस वन, थ्री टू दी पावर के माइनस वन, थ्री टू दी पावर के माइनस वन, थ्री टू दी पावर के माइनस वन, थ्री टू दी पावर के माइनस वन। जहाँ जहाँ मुझे n मिलेगा वहाँ मुझे k लिखना है, थ्री टू दी पावर के माइनस वन। ठीक, तो हमने मान लिया, मान लिया कि n बराबर k पर दिया गया कथन सत्य है, इसलिए a टू दी पावर k इसके बराबर होगा। ठीक है, अब स्टेप थ्री, स्टेप थ्री में हम n इज इक्वल टू k प्लस वन ले लेते हैं। तो k प्लस वन के लिए, ठीक, आप n की जगह k प्लस वन लिखिए, तो a टू दी पावर k प्लस वन इज इक्वल टू, जहां भी यानी k प्लस वन लिखोगे बेटा ध्यान से देखना, थ्री टू दी पावर k प्लस वन माइनस वन। तो थ्री टू दी पावर n का k प्लस वन माइनस वन, वो प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा थ्री टू दी पावर k, के सब में भैया यही हो जाएगा, थ्री टू दी पावर के, 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 ऐसा। अब करना क्या है कि n बराबर k प्लस वन पर हमें कथन को सत्य सिद्ध करके दिखाना है, सत्य सिद्ध करके दिखाना है, मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर ला के दिखानी है। तो आप इसको सॉल्व करिए और ये ला के दिखाइए। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में है a टू दी पावर k प्लस वन। इसको भैया हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a टू दी पावर k इंटू a, गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो a टू दी पावर k, a टू दी पावर वन, a टू दी पावर k प्लस वन हो जाएगा। ठीक, अब a टू दी पावर k की वैल्यू यहां से ले लीजिए आप, ये a टू दी पावर k की वैल्यू है, तो इसको मैं नोट कर लेता हूँ, थ्री टू दी पावर के माइनस वन, के माइनस वन, के माइनस वन, थ्री टू दी पावर के माइनस वन, ठीक, इंटू ए भी तो, ये तो ए टू दी पावर के की वैल्यू लिखी है आपने, अब ए की वैल्यू लिखो, ए की वैल्यू ये है वन 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 वन, फिर ये वन वन वन, ऐसा कर दिया। अब मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई कराना मैट्रिसेस का आता है आपको, तो चलिए मल्टीप्लाई करिए। इज इक्वल टू, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए बेटा, ध्यान से देखिए, इसको वन से करेंगे तो यही आ जाएगा, फिर इसको वन से करेंगे तो भी यही आएगा, इसको वन से करेंगे तो भी यही आएगा। ठीक, और ये किस तरह से बनेगा, थ्री टू दी पावर के माइनस वन प्लस थ्री टू दी पावर के माइनस वन प्लस थ्री टू दी पावर के माइनस वन, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे फिर भी ऐसा ही आएगा। अब एक चीज देखो, सारे एलिमेंट्स इसके सेम है, सारे एलिमेंट्स इसके सेम है, तो मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट इसी तरीके से मिलेंगे आपको। तो अब हम डायरेक्ट कर देते हैं, थ्री टू दी पावर के माइनस वन प्लस थ्री टू दी पावर के माइनस वन प्लस थ्री टू दी पावर के माइनस वन। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करेंगे, थ्री टू दी पावर के माइनस वन, थ्री टू दी पावर के माइनस वन, थ्री टू दी पावर के माइनस वन। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यह आ जाएगा थ्री टू दी पावर के माइनस वन, थ्री टू दी पावर के माइनस वन, थ्री टू दी पावर के माइनस वन। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थ्री टू दी पावर के माइनस वन, थ्री टू दी पावर के माइनस वन, थ्री टू दी पावर के माइनस वन। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थ्री टू दी पावर के माइनस वन, थ्री टू दी पावर के माइनस वन, थ्री टू दी पावर के माइनस वन। ठीक, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा थ्री टू दी पावर के माइनस वन, थ्री टू दी पावर के माइनस वन प्लस थ्री टू दी पावर के माइनस वन। अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थ्री टू दी पावर के माइनस वन प्लस थ्री टू दी पावर के माइनस वन, थ्री टू दी पावर के माइनस वन
थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 to the power k-1, 3 to the power k-1 प्लस 3 to the power k-1 ऐसा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 to the power k-1 प्लस 3 to the power k-1 प्लस 3 to the power k-1, आपने लगता नंबर सेम है और ऐड कर रहे हैं 3 times, तो ये 3 times हो जाएगा, 3 गुना, जैसे x plus x is equal to 3x, सिमिलरली इसको क्या लिख सकेंगे, 3 into 3 to the power k-1, x plus x is equal to 3x, इसको 3 into 3 to the power k-1, 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 सारे एलिमेंट्स इसी तरह से बन जाएंगे, 3 into 3 to the power k-1, 3 into 3 to the power k-1, 3 into 3 to the power k-1। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, 3 × 3 k-1, यहाँ 3 की घात 1 मानी जा सकती है, दोनों गुणा में हैं, बेस सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी, जुड़ करके 3 to the power 1 plus k-1 बनेगी। अब 1 plus k-1, 3 to the power 1 plus k-1 में प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, क्या बन जाया करेगा, 3 to the power k, तो इसके सारे एलिमेंट 3 to the power k बन जाएंगे, 3 to the power k, 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 सारे एलिमेंट यही हो जाएंगे। ओके, और बेटा ध्यान से देखिए, आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना शुरू करा था ना, यही चीज बिल्कुल सेम यहां दिख रही है आपको, इसका मतलब है हमने लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट किया, राइट हैंड साइड आपको मिल गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि दिया गया कथन n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए सत्य है, यहां लिख देंगे अतः स्पष्ट है कि दिया गया कथन n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी सत्य है। ये तो बात हुई स्टेप 3 की। अब पूरे क्वेश्चन को इसको देखकर हमको क्या पता चला, हमको पता चला कि गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन सभी स्मॉल एन बिलोंग्स टू एन के लिए सत्य है, अतः PMI से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से दिया गया कथन, दिया गया कथन मतलब ये चीज कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है, सही है, दिया गया कथन, अब PMI से दिया गया कथन सभी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n के लिए सत्य है, ठीक, बस प्रूफ हो गया। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 2, एंड आई होप कि सभी बच्चों को समझ में भी आया, आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में है भैया, यदि a इज इक्वल टू 3 − 4 1 − 1 तो सिद्ध कीजिए कि a टू द पावर n इज इक्वल टू 1 + 2n − 4n n 1 − 2n, जहां n एक धन पूर्णांक है। फिर से सेम क्वेश्चन जैसा आपने 2 में किया वैसे ही आपको 3 में भी करना है, इसमें भी गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूव करके दिखाना है कि अगर a की वैल्यू ये है तो a की घात n का मान ये होगा, ये सही करके दिखाना है आपको। हम यहां पर भी गणितीय आगमन का सिद्धांत लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, ठीक। सबसे पहले स्टेप वन में हम लेंगे n इज इक्वल टू 1 के लिए पहले सत्य सिद्ध करके दिखाएंगे, तो इसमें n की जगह 1 लिखिए, a टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस
टू इंटू वन या माइनस फोर इंटू वन, यहाँ वन माइनस टू इंटू वन, ठीक है। अब ए टू दी पावर वन को आप ए भी लिख सकते हैं केवल, इज इक्वल टू दो एक कम दो प्लस एक तीन, माइनस चार एक कम चार, एक वन माइनस टू, वन जार टू, वन माइनस टू दिस इज माइनस वन। अब आप देखें थ्री माइनस फोर वन माइनस वन, थ्री माइनस फोर वन माइनस वन, ए आ गया। इसका मतलब है एन की जगह एक लिखने से ये मिलता है, इसका मतलब दिया गया कथन एन बराबर एक के लिए सत्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया कथन एन इज इक्वल टू वन के लिए सत्य है। अब अगर दिया गया कथन एन इक्वल टू एक के लिए सत्य है, ये स्टेप वन हमने कर ली। स्टेप टू में दिए गए कथन को एन इज इक्वल टू के लिए सत्य मानना है आपको, तो यहां पर लिख देंगे माना एन बराबर के लिए, एन बराबर के लिए दिया गया कथन सत्य है। अगर सत्य है तो एन की जगह के लिखने से ये इसके बराबर बना रहना चाहिए। तो ए टू दी पावर के इज इक्वल टू वन प्लस टू के माइनस फोर के वन माइनस टू के, ठीक है। ये अब इसका यूज स्टेप थ्री पे करना पड़ेगा, ये हमने मान लिया। स्टेप थ्री n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए, अब n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए हम कथन को सत्य सिद्ध करके दिखाएंगे, ठीक। तो देखिए n की जगह k प्लस वन लेना है हमको, तो a टू द पावर k प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस टू के प्लस वन माइनस फोर के प्लस वन, ये k प्लस वन है, वन माइनस टू के प्लस वन, ठीक। a टू द पावर k प्लस वन इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए, टू के प्लस टू आएगा तो ये पूरा जुड़ करके हो जाएगा थ्री प्लस टू के, भाई वन इसका और टू इसका, थ्री प्लस टू के। इसको अगर आप करेंगे तो ये होगा माइनस फोर के माइनस फोर, ये के प्लस वन, और ये ध्यान से देखिए माइनस टू के माइनस टू बनेगा, माइनस टू प्लस वन माइनस वन और माइनस टू के, ये ए टू द पावर के प्लस वन की ये वैल्यू आई। लेकिन हमें तो इसको सत्य सिद्ध करके दिखाना है, ये दिखाना है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी। कैसे? उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, सॉल्व करके राइट ले आइए। तो अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है ए टू द पावर के प्लस वन। अब इसको कैसे करना है, हम लिखेंगे ए टू द पावर के इंटू ए, ए टू द पावर के प्लस वन को ए टू द पावर के इंटू ए लिख सकते हैं, बेस सेम है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, फिर से के प्लस वन बन जाएगा। हमें एन बराबर के प्लस वन के लिए कथन को सत्य सिद्ध करना है, इसका मतलब ये दिखाना है कि इसको हल करने से ये आ जाता है, इसलिए हम इसको हल कर रहे हैं और देखते हैं ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ए टू द पावर के की जगह पर क्या लिखा जाए, ये वैल्यू लिखी हुई है वन प्लस टू के माइनस फोर के वन माइनस टू के इंटू ए, ए की जगह पर ये नोट कर दीजिए थ्री माइनस फोर वन माइनस वन। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है भाई, करिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका गुणा थ्री से करेंगे और इसका गुणा वन से करेंगे, तो थ्री से करिए थ्री प्लस सिक्स के, फिर इसका इससे किया तो माइनस फोर के। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको पहले माइनस फोर से करेंगे, तो माइनस फोर माइनस एट के, माइनस फोर माइनस फोर टू जार एट के, अब माइनस फोर के को माइनस वन से किया तो प्लस फोर के। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको थ्री से करेंगे तो ये आएगा थ्री के, और इसको वन से करेंगे
तो ये पूरा 1 माइनस 2 के आ जाएगा। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, k को माइनस 4 से किया, माइनस 4 के माइनस 1 को इससे करेंगे माइनस 1 प्लस 2 के, ठीक ऐसा। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें भैया, देखो ध्यान से, 6k माइनस 4k, 2k बचा, ये 3 है प्लस 2k। यहाँ ध्यान से देखिए, ये माइनस 8k है और ये प्लस 4k, माइनस 8k प्लस 4k, ये आ जाएगा माइनस 4k और माइनस 4, ठीक। इसके बाद इसको ध्यान से देखो, 3k माइनस 2k, ये हो जाएगा k प्लस 1, माइनस 4k प्लस 2k, ये माइनस 2k बचेगा और ये माइनस 1, तो ये माइनस 1 और माइनस 2k। और आप ध्यान से देखें बेटा, यहाँ पर इसका राइट हैंड साइड पूरा यही है, 3 प्लस 2k माइनस 4k माइनस 4, k प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2k। इस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इसकी वैल्यू इसके बराबर आ रही है, ये हमने करके दिखा दिया आपको। तो हमने क्या कर दिया, अतः स्पष्ट है कि दिया गया कथन n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है। स्पष्ट है कि दिया गया कथन n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है। ये हमने स्टेप 3 भी कंप्लीट कर ली। अब अगर स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 सारा का सारा सब कुछ हो गया, अब आप कह सकते हो कि अतः स्पष्ट है कि सभी धन पूर्णांकों के लिए दिया गया कथन सत्य है। अतः स्पष्ट है कि सभी धन पूर्णांकों के लिए दिया गया कथन सत्य है, ठीक। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 3, आप प्लीज इसे नोट कर लें। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में है बेटा कि यदि ए तथा बी सममित आव्यूह हैं तो सिद्ध करिए ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक। ओके, दिया उन्होंने ये है कि ए और बी सममित आव्यूह हैं, क्योंकि ए व बी सममित आव्यूह हैं। क्या आप सभी बच्चों को याद है कि अगर दो आव्यूह ए और बी सममित आव्यूह हैं तो उसके लिए क्या शर्त लागू होती है? शर्त ये लगती है, अगर ए सममित आव्यूह है तो ए का जो ट्रांसपोज होगा वो ए के इक्वल होगा, और अगर बी भी सममित आव्यूह है तो बी का ट्रांसपोज भी बी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब उन्होंने बोला तो सिद्ध करिए ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। हमको सिद्ध क्या करना है ये पहले देखते हैं। सिद्ध करना है कि ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है, एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक। ओके, ए बी माइनस बी ए अगर ये एक विषम सममित आव्यूह है तो बेटा आप याद करिए, कोई भी आव्यूह अगर विषम सममित होता है तो उसका जो ट्रांसपोज होता है वो उसके नेगेटिव के इक्वल आता है। नेगेटिव के इक्वल मतलब माइनस ए बी माइनस बी ए, तो
आपको ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आवयव है ये सिद्ध करना है, अर्थात आपको ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज माइनस ए बी माइनस बी ए के बराबर ला के दिखाना है, ये आपको प्रूव करना है। आप सभी को याद ही होगा कि अगर एक आवयव विषम सममित है तो उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए। तो एक बी माइनस बी ए अगर विषम सममित है तो इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए बी माइनस बी ए होल डैश इज इक्वल टू। थोड़ा ध्यान से देखें बेटा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रांसपोज की, ए माइनस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश, ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। यही वाला रूल पहले यहां लगाएंगे, इसको ए मान लो, इसको बी, इसका ट्रांसपोज माइनस इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए बी माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी ए। ठीक, अब ए बी का ट्रांसपोज, अब फिर से याद करो, एक ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती थी ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, यही चीज हमको यहां लिखनी, ए बी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश। सिमिलरली बी ए का होल डैश क्या लिख जाएंगे, ए डैश इंटू बी डैश। ठीक है, उस रूल से। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ए डैश ए के इक्वल है और बी डैश बी के इक्वल है, तो हम ए डैश की जगह ए और बी डैश की जगह बी लिख देंगे, इसकी जगह बी, ए डैश की जगह ए, ए डैश की जगह ए, बी डैश की जगह पर बी। अगर आप चाहें तो दोनों से माइनस कॉमन कर सकते हैं, माइनस कॉमन करेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा ए बी माइनस बी ए। और भैया आप देखो, ए बी माइनस बी ए होल डैश इज इक्वल टू माइनस बी ए माइनस ए बी माइनस बी ए, यही आपको लाना था। तो बस यही सिद्ध करना था, आप देख लीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, तो आप एक काम करें, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, सिद्ध करिए कि आवयव बी डैश ए इंटू बी, बी डैश इंटू ए इंटू बी सममित अथवा विषम सममित है। यदि ए सममित अथवा विषम सममित है, इनका कहने का मतलब ये है कि अगर ए सममित है तो बी डैश ए बी भी सममित है, और अगर ए विषम सममित है तो बी डैश ए बी भी विषम सममित है। ये चीज सिद्ध करिए। देखिए मैं लिख देता हूं, यदि ए सममित है, ठीक, तो बी डैश ए बी सममित है, ये इसका मतलब है। और यदि ए विषम सममित है तो बी डैश ए बी विषम सममित है, विषम सममित है, ये आपको प्रूव करना है बेटा। क्वेश्चन का यही मीनिंग है कि अगर ए सममित है तो ये भी सममित होगा, और अगर ए विषम सममित है तो ये भी विषम सममित होगा, ये सिद्ध करना है। अब थोड़ा ध्यान से देखें, इसके मुताबिक ए सममित है, हमको दिया क्या गया है कि ए सममित है, अगर ए सममित है तो ए डैश की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए की। सिद्ध करना है क्या, प्रूफ करना है हमको कि ये सममित है, अगर ये सममित है तो इसका ट्रांसपोज खुद इसी के इक्वल आना चाहिए, ये हमको सिद्ध करना है, ये गिवेन है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और ये प्रूफ करके आपको दिखाते हैं, इसी को ले लेते हैं सबसे पहले।
लेफ्ट हैंड साइड बी डैश ए बी का होल डैश इज इक्वल टू, आपने अभी मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि अगर दो आवयव गुणनफल में उनका ट्रांसपोज निकालोगे तो आपको बी डैश इंटू ए डैश लेना पड़ेगा। इसी तरह से तीन मैट्रिसेस अगर मल्टीप्लिकेशन में इनका ट्रांसपोज निकालोगे तो इनकी भी वैसे ही लेना पड़ेगा, पीछे वाले का ट्रांसपोज पहले बी डैश फिर ए डैश फिर बी डैश का डैश, ठीक है, बी डैश ए डैश बी डैश का डैश। अब एक प्रॉपर्टी और याद करिए, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालने से वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो हम बी के ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो बी बन जाएगा। तब तक यहां देखो बी डैश की जगह बी डैश, ए डैश की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, गिवेन है ए, ए लिख दिया, और बी डैश का डैश क्या हो जाएगा बी। अब आप ध्यान से देखें बेटा, बी डैश ए बी डैश बी डैश ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए बी इज इक्वल टू बी डैश ए बी, सिद्ध हो गया। तो हम लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था, इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ गई, वही तो करना था। अब इसको ध्यान से देखिए, यदि ए विषम सममित है तो ये भी विषम सममित है, इसमें भी गिवेन क्या क्या है, हमको गिवेन है कि ए विषम सममित है। अब अगर विषम सममित है तो ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ए के इक्वल होना चाहिए, ओके। और सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध हमको करना है कि यह भी विषम सममित होगा, ये विषम सममित होगा मतलब इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए, ये करके हमको दिखाना है, ठीक, ओके। देखो कैसे प्रूव कर सकते हैं इसे, हम ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे बी डैश ए बी होल डैश ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी, इसका फॉर्मूला उसकी मदद से ओपन करिए इसके अकॉर्डिंग, तो आपको मिलेगा बी डैश ए डैश और बी डैश का डैश। बी डैश को आप बी डैश ही लिखा रहने दीजिए, ए डैश की जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस ए, और किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज खुद वही मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस बी डैश ए बी, और बेटा देखो बी डैश ए बी डैश बी डैश ए बी डैश इज इक्वल टू माइनस बी डैश ए बी माइनस बी डैश ए बी, यही तो आपको इसमें प्रूफ करना था। तो हम लिख देंगे यही यही सिद्ध करना था, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आप जल्दी से इसे नोट कर लें, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, लिखा है एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात करिए। यहां पर इस क्वेश्चन में तीन वेरिएबल हैं एक्स वाई और जेड, और तीनों वैल्यूज आपको पता लगानी है। यदि आवयव ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स भी दी गई है 0 2 y z x y माइनस z x माइनस y z, समीकरण a डैश a को a डैश a इज इक्वल टू i को संतुष्ट करता है। कहने का मतलब यूं कि एक आवयव आपको दिया गया है जिसमें तीन वेरिएबल x y z है, इससे एक इक्वेशन बनी a डैश a इज इक्वल टू i, ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो आपको x, y और z की वैल्यूज मालूम करनी, बस इतना सा काम है। कैसे करेंगे, देखो इस इक्वेशन में पहले हमको रखना पड़ेगा वैल्यू, a की जगह तो हम रख देंगे पर a डैश नहीं मालूम, तो हम a डैश निकाल लेते हैं। a डैश का मतलब ट्रांसपोज ऑफ a, ट्रांसपोज ऑफ a मतलब कॉलम और रो को इंटरचेंज कर दीजिए, 0 2 y z रो है तो इसको 0 2 y z कॉलम बना दीजिए, x y माइनस z रो है तो x y माइनस z कॉलम बना दीजिए, फिर x माइनस y z रो है तो x माइनस y z हमने कॉलम बना दिया, 0 टू y z x y माइनस z और x माइनस y z, ठीक है, ये a डैश आ गया। अब इस इक्वेशन पे रख देते हैं a डैश इंटू a इज इक्वल टू आई,
ए डैश की जगह लिखेंगे जीरो एक्स एक्स, टू वाई वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड प्लस जेड इंटू ए। ए की जगह तो यही लिख देंगे फिर तो, ए की जगह पर ये लिखा जाएगा तो ये आएगा जीरो टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड इज इक्वल टू आई। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन, ऐसा। अब इन दोनों का गुणा करवा लीजिए क्योंकि इनको मल्टीप्लीकेशन होना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, इसको इससे गुणा करवाइए। जीरो को जीरो से करेंगे तो जीरो आ जाएगा, एक्स को एक्स से एक्स स्क्वेयर, फिर एक्स को एक्स से तो एक्स स्क्वेयर, जीरो प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। अब ए वन टू करेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, जीरो को टू वाई से करेंगे जीरो, एक्स को वाई से करेंगे एक्स वाई, एक्स को माइनस वाई से करेंगे माइनस एक्स वाई। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जीरो को जेड से करेंगे जीरो, एक्स को माइनस जेड से करेंगे माइनस एक्स जेड, एक्स को प्लस जेड से करेंगे प्लस एक्स जेड, ठीक ओके। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, टू वाई को जीरो से कर दिया जीरो, वाई को एक्स से कर दिया तो एक्स वाई, माइनस वाई को एक्स से किया माइनस एक्स वाई। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, टू वाई को टू वाई से कर देंगे फोर वाई स्क्वेयर, वाई को वाई से कर दिया मल्टीप्लीकेशन, वाई स्क्वेयर माइनस वाई को माइनस वाई से किया, इट इज अगेन प्लस वाई स्क्वेयर। नाउ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, टू वाई जेड से करना है तो टू वाई जेड, वाई को माइनस जेड से करेंगे तो माइनस वाई जेड, माइनस वाई को जेड से करेंगे माइनस वाई जेड। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, जेड को जीरो से करेंगे जीरो, माइनस जेड को एक्स से करेंगे माइनस जेड एक्स, प्लस जेड को एक्स से करेंगे प्लस जेड एक्स। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, जेड को टू वाई से करेंगे टू वाई जेड, माइनस जेड को वाई से करेंगे तो माइनस वाई जेड, प्लस जेड को माइनस वाई से करेंगे इट इज अगेन माइनस वाई जेड। थर्ड रो थर्ड कॉलम, जेड को जेड से करेंगे जेड स्क्वेयर, माइनस जेड को माइनस जेड से करेंगे प्लस जेड स्क्वेयर, प्लस जेड को प्लस जेड से करेंगे प्लस जेड स्क्वेयर। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे सेम मैट्रिक्स जो कि थी वही हम लिखे दे रहे हैं, जीरो जीरो वन ओके। अब आप ध्यान से देखिए थोड़ा बेटा, गौर कीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज टू एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई पूरा कैंसिल होके जीरो हो गया, माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड ये भी जीरो हो गया, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई जीरो, फोर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस विल बिकम सिक्स वाई स्क्वायर, फोर वन फाइव वन सिक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई जेड एंड माइनस वाई जेड माइनस टू वाई जेड, माइनस टू वाई जेड प्लस टू वाई जेड इस इज अगेन जीरो, माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स जीरो, माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस टू वाई जेड एंड दिस इज प्लस टू वाई जेड, सो दे आर कैंसिल ईच अदर। अब इसके बाद जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर, दिस विल बी थ्री जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन। अब इनको ध्यान से देखना बेटा, ये एक मैट्रिक्स है थ्री बाई थ्री, ये भी एक मैट्रिक्स है थ्री इंटू थ्री, और दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। याद करिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस जब एक दूसरे के इक्वल होती हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं, तो संगत अवयव हम इसके बराबर कर देते हैं। टू एक्स स्क्वेयर वन के इक्वल होगा, 2x square is equal to 1, therefore x square is equal to 1 by 2, therefore x is equal to plus minus 1 upon under root 2, ये x की वैल्यू निकल करके आ गई। अब 6y square को 1 के इक्वल करेंगे,
नाउ 6y² इज इक्वल टू 1, देन y² इज इक्वल टू 1/6, देयरफॉर y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6, ऐसा आ गया ये। सिमिलरली 3z² इज इक्वल टू 1, 3z² इज इक्वल टू 1, z² इज इक्वल टू 1/3, देन z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। ये x, y और z की वैल्यूज आ गई और यही आपको निकालना भी था, आप चेक कर सकते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लस माइनस 1/√2, प्लस माइनस 1/√6, प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में है भैया, एक्स के किस मान के लिए, मतलब आपको एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो 0 के बराबर है, आपको एक्स की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करना है और 0 के इक्वल करना है, और ऐसा करके यहां पर जो x दिखाई दे रहा है उसको उसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। चलो करते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1 × 3, इसका ऑर्डर है 3 × 3, इसका ऑर्डर है 3 × 1। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 1 × 3 का। ऐसी एक मैट्रिक्स, एक रो 3 कॉलम रहेंगे इस तरीके के। चलिए गुणा करा देते हैं, एक का गुणा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 से करेंगे, 2 को 2 से, 1 को 1 से, तो 1 को 1 से कर दिया तो 1, 2 को 2 से किया 4, फिर 1 को 1 से किया 1। ओके, इसको इससे कर दिया, अब इसको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 को 2 से करेंगे 2, 2 को 0 से किया 0, 1 को 0 से किया तो 0, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 को 0 से किया 0, 2 को 1 से किया तो 2, 1 को 2 से कर दिया तो भी 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई होके ये एक मैट्रिक्स आ गई, और उसके साथ 0 × 2x ये हम लिखा रहने देंगे, इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करो, 1, 4, 5, 1, 6, 2, 4, और उसके साथ मल्टीप्लाई करना है मुझे 0 × 2x इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 × 3, इसका ऑर्डर है 3 × 1, इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या के इक्वल है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, लेकिन जो मैट्रिक्स मिलेगी वो कैसे मिलेगी, 1/1, 1/1 की मैट्रिक्स मिलेगी हमको। एक रो होगा एक ही कॉलम, मतलब एक ही एलिमेंट ही होगा, सीधे सीधे एक ही एलिमेंट होगा, तो क्या होगा, 6 को 0 से करोगे, इसको इससे करेंगे, 6 को 0 से 0, 2 को 2 से 4, 4 को x से तो 4x इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है, और इधर एक एलिमेंट का मैट्रिक्स है, तो इधर भी एक एलिमेंट का मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं। अब ये आ गया, इधर में क्या बचा, 4 + 4x, इधर में 0। अब संगत अवयव बराबर कर दें, ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 है, बराबर कर देंगे तो 4 + 4x इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू -4, इसको उधर भेज दिया, देन x इज इक्वल टू -1, 4 से मैंने 4 में भाग दे दिया, -1 आ गया। इस तरह से x की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आ गई बेटा, -1। अगर आप चाहें तो आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग, 7 नंबर पर x की वैल्यू -1। पूरी इस एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन है, जिनमें से 7 क्वेश्चंस बेटा हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसके 8 क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे बट नेक्स्ट क्लास पे। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, तो आप प्लीज़ इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद इसके आगे के कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, थैंक यू।